स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस सिम्बायसिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिसाइडिंग हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ मेटल आयन लिगेंड्स एंड अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सिम्बायसिस क्या होता है? सॉफ्ट लिगेंड की टेंडेंसी होती है उस मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने की जो ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड से बाउंड होती है, और हार्ड लिगेंड की टेंडेंसी होती है उस मेटल आयन से बाउंड होने की जो ऑलरेडी हार्ड लिगेंड से बाउंड हो रखी होती है। ये जो टर्म है सिम्बायसिस, ये सबसे पहले जोरनसन साइंटिस्ट से उन्होंने दिया था 1868 में। इसका एग्जांपल हम एप्लीकेशन ऑफ एचएसपी में कर चुके हैं। मैंने बताया था आपको कि ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट, इसमें एक लिगेंड क्या है, साइनाइड, दूसरा आयोडाइड, दूसरा कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का क्या है, जिसमें अमोनिया है और फ्लोराइड है, ये दोनों स्टेबल हैं। इसके अंदर साइनाइड आयोडाइड दोनों सॉफ्ट लिगेंड हैं, अमोनिया फ्लोराइड दोनों हार्ड लिगेंड हैं। तो सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड के जो कॉम्बिनेशन है वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। इसके अपोजिट जहाँ पे कोबाल्ट में एक सॉफ्ट है एक हार्ड है, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, वो क्या है, अनस्टेबल है। तो सिम्बायसिस क्या कहता है, सॉफ्ट लिगेंड उस मेटल से बाइंड करना प्रेफर करेगा जिसमें ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड है, और हार्ड लिगेंड उस मेटल से बाइंड करना प्रेफर करेगा जिसमें ऑलरेडी हार्ड लिगेंड है। यह है सिम्बायोसिस, एक दूसरे का देख करके उसी मेटल के साथ जाना, कुछ इस तरह से। दूसरा हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे BF3 है, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसमें जो फ्लोराइड है F नेगेटिव, ये क्या है, हार्ड बेस है, ये फ्लोराइड के साथ ही कंबाइन करेगा और क्या बना सकता है, BF4 नेगेटिव। इन द सेम वे जो हाइड्राइड है H नेगेटिव, वो क्या है, सॉफ्ट बेस है। मैं प्रोटॉन की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोटॉन हार्ड मेटल आयन है, यानी कि क्लास ए मेटल आयन है, एच पॉजिटिव, लेकिन जो हाइड्राइड आयन है वो है सॉफ्ट बेस। तो इसमें ऑलरेडी BH3 में एच नेगेटिव है जो कि सॉफ्ट है, ये इसी के साथ कंबाइन करेगा और BH4 नेगेटिव बना लेगा। अगर आपने कोई इस तरह का मिक्सचर बनाया है BF3 एच नेगेटिव, तो ये स्टेबल नहीं है, और BH3F नेगेटिव इनको मिक्स कर दिया है तो ये अपने आप को रीशफल कर लेंगे, इनसे क्या बन जाएगा, BF4 नेगेटिव, BH4 नेगेटिव। उसका रीज़न क्या आ रहा है कि हार्ड हार्ड के साथ कंबाइन हो जाएगा और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जब कंसेप्ट हार्डनेस ऑफ सॉफ्टनेस का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक पावर है आयन की एक पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की, कि कोई आयन एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना इंटरेस्टेड है उसको डिसाइड कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा लिथियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हमें पता है वो एक अल्कली मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिया, Li पॉजिटिव बन गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। उसका रीज़न क्या है, Li पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया उसने हीलियम का, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, यानी कि Li पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, इसीलिए ये हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। इन द सेम वे जो कैडमियम है उसकी कैडमियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि उसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। तो Li पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या है, हार्ड एसिड है, और कैडमियम पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है। इन द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे CF3 क्या है, हार्ड है CH3 के कंपैरिजन में, क्योंकि F क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इन द सेम वे BF3 एसिड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड की ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ये हार्ड है, और BH3 सॉफ्ट है। इन द सेम वे PF3 हार्ड है PH3 के कंपैरिजन में। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक साइंटिस्ट है मुल्किन जफ़फ़ी, उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसका फंक्शन होती है, पार्शियल चार्ज ऑन एटम, एटम के ऊपर कितना पार्शियल चार्ज है। तो ये एक विशन दी थी उन्होंने, ये जाई क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर्टिकुलर आयन की, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ न्यूट्रल एटम, जो कि हम बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर करते हैं न्यूट्रल एटम की क्या रहेगी। बी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद चार्ज, यानी कि एक पर्टिकुलर एटम है उसके ऊपर चार्ज है तो उस
किस हिसाब से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हुई है उसको बोलेंगे बी। और डेल्टा क्या है, पार्शियल चार्ज ऑन एटम। तो जाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पर्टिकुलर आयन वी कंसिडर, डेल्टा इज पार्शियल चार्ज ऑन एटम, ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ न्यूट्रल एटम, बी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद चार्ज नोन एज चार्ज कोफिशिएंट। तो ये जाई जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो सिस्टम क्या रहेगा, हार्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो सिस्टम क्या रहेगा, सॉफ्ट। तो यहाँ से जो बी है, अगर ये चार्ज कोफिशिएंट की वैल्यू कम है तो वो क्या रहेगा, सिस्टम सॉफ्ट रहेगा, साइज उसका लार्ज रहेगा और पोलराइजेबल रहेगा वो एटम। अगर बी चार्ज कोफिशिएंट ज़्यादा है तो वो क्या रहेगा, स्मॉल साइज का आयन रहेगा, हार्ड रहेगा और नॉन पोलराइजेबल रहेगा, या यू कह सकते हो सॉफ्ट के लिए, जो सॉफ्ट सिस्टम है उसके लिए बी की वैल्यू क्या होती है, कम, और जो हार्ड सिस्टम है उसके लिए बी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। फिर पार और पियर्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1983 में एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई, एब्सोल्यूट हार्डनेस ईटा, वो न्यूट्रल और चार्ज सब स्पीसीज के लिए था। ईटा क्या है, पहला क्वांटिटेटिव मेजर था किसी भी सिस्टम की सॉफ्टनेस और हार्डनेस को मेजर करने के लिए। ईटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई माइनस ए बाई टू। आई क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, ए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ईटा क्या है, मेजर ऑफ द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द एसिड एंड बेसिस। अब एक पहले से ही हमें मुल्किन जाफी ने दिया हुआ है एक पैरामीटर जाई, वो भी क्या है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस को बता रहा है। तो ये जाई, उन्होंने इस जाई को इस तरह से कनेक्ट किया कि जाई की वैल्यू हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आई प्लस ए बाई टू। आई आपको पता, आयनाइजेशन एनर्जी, ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई टू। अब मान लो ए एक मेरा एसिड है, बी मेरा क्या है, बेस, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। तो बेस क्या करता है, अपना लोन पेयर एसिड को डोनेट कर देता है, बेस अपना लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एसिड को डोनेट कर देगा। तो जब रिजल्ट होगा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है बेस ने, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, और जो बेस एसिड है जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज। तो ये स्पीसीज बन जाएगी, ए डेल नेगेटिव, बी डेल पॉजिटिव। तो इस स्पीसीज में हम हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हार्डनेस इज रेफर टू द स्पीसीज बी गोइंग फ्रॉम डेल्टा पॉजिटिव टू वन प्लस डेल्टा पॉजिटिव। हार्डनेस का मेजर क्या होगा, जितना भी चार्ज आया स्पीसीज में उसके अंदर प्लस वन ऐड कर देंगे, उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो क्या होगा, हार्डनेस रहेगा। इन द सेम वे हार्डनेस ऑफ स्पीसीज ए रिफर टू गोइंग फ्रॉम डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, टू चार्ज वन प्लस डेल्टा नेगेटिव। अब मान लो डेल्टा आपने 0.5 मान लिया, यानी कि हाफ मान लिया, आधा एसिड के ऊपर चार्ज चला गया है नेगेटिव और आधा बेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला गया है, हाफ। तो बी के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, वन प्लस डेल्टा पॉजिटिव कितना हो जाएगा, वन, डेल्टा पॉजिटिव क्या है, प्लस 0.5, तो टोटल 1.5। जो चार्ज ए के ऊपर हार्डनेस मेजर करने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, वन प्लस जो चार्ज है उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव 0.5 है, तो ये इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 0.5। तो हार्डनेस क्या रहेगी, 0.5 से 1.5 जाने के लिए बी के लिए जो भी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये क्या रहेगा, इसका एवरेज लगा लो हाफ, हाफ ऑफ 0.5 प्लस 1.5, ये टोटल क्या जाएगा, 1, यानी कि बी में 1 यूनिट चेंज हो गया है चार्ज का, और ए में माइनस 0.5 से प्लस 0.5 में गए हैं हम। पहले क्या चार्ज था, माइनस 0.5, और हमने जाना कहाँ तक है, प्लस 0.5 तक, हार्डनेस को मेजर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, इसका एवरेज क्या आएगा, 0। तो इसलिए जो बेस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा ऑफ बेस इज इक्वल टू ईटा ऑफ स्पीसीज बी पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा जो हमारा प्रोसीजर रहेगा उसमें। तो इसी तरह से क्या लिखेंगे इसको, हाफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी पॉजिटिव, और एसिड को हम एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि एसिड के ऊपर नेट चार्ज कितना रहा है हार्डनेस मेजर करने में, 0। तो ईटा ऑफ स्पीसीज एसिड ए इज इक्वल टू ईटा ऑफ स्पीसीज ए इक्वल्स टू हाफ आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हार्डनेस, ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हार्डनेस ज़्यादा होगी, अगर ईटा की वैल्यू कम होगी तो हार्डनेस क्या रहेगी, कम। सिर्फ जो हाइड्रोजन है उसके कुछ एक्सेप्शन होंगे, रिजल्ट मैच नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने कहा था ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा
तो वो मेटल क्या होंगे, हार्ड होंगे। जैसे हमने कहा था जो ट्रांजिशन मेटल हैं जिन जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती हैं वो हार्ड एसिड कंसिडर होती हैं। तो देखो इसमें ये यहाँ से प्रूव भी हो जाता है, आयरन जीरो स्टेट में इसकी टायर 3.8, Fe2 स्टेट में है, टू पॉजिटिव स्टेट में 7.3, थ्री स्टेट में है 12.08, यानी कि ईटा पैरामीटर की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि हार्डनेस बढ़ रही है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे थैलियम पॉजिटिव और थैलियम थ्री पॉजिटिव, यहाँ से चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ऐसा लगता है थैलियम थ्री पॉजिटिव को हार्ड होना चाहिए थैलियम वन पॉजिटिव के कंपैरिजन में। और ईटा की वैल्यू भी ऐसे आती है 7.2 और 10.5, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, जो थैलियम थ्री पॉजिटिव है उसको हार्ड होना चाहिए और थैलियम पॉजिटिव को सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है वो क्या है, रिवर्स है, थैलियम थ्री पॉजिटिव सॉफ्ट है और थैलियम पॉजिटिव हार्ड है। लेकिन जब हमने इनसे सिमिलर मेटल को कंसिडर किया, उनके बिहेवियर को देखा, तो ये पाया कि इस तरह की मेटल सॉफ्ट रहेंगी और इस तरह की मेटल हार्ड रहेंगी। तो ये जो कंसेप्ट आया इसमें कुछ ड्रॉबैक भी रही, कुछ एक्सेप्शंस भी रहे। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को हम कूपमैन थ्योरम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ईटा हमने कैसे कैलकुलेट किया, आई माइनस ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई टू, यानी कि जो ईटा है वो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट दे देने की टेंडेंसी, यानी कि कैटायन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा जाता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, जो सबसे ऊपर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो उसकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैं आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे लिख सकती हूँ, एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन गेन किस में होंगे, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके जितने फिल हो चुके हैं ऑर्बिटल उससे अगला जो ऑर्बिटल खाली होगा उसके अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर करना चाहती हूँ तो मैं एनर्जी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैलकुलेट करूँगी। तो इसका मतलब क्या है, होमोल्यूमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा गैप होगा वो क्या है, हार्ड सिस्टम होगा, और अगर गैप कम होगा तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, सॉफ्ट सिस्टम हो जाएगा। अब हम करते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब है सॉल्वेंट जो है एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि मैंने कहा HCN क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि ये वाटर में कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता इसलिए ये क्या है, वीक एसिड है। और HCl को मैंने क्या कहा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में और H पॉजिटिव आयन देता है। तो चलो ये डिस्टिंक्शन सही है कि ये कम डिसोशिएट हुआ है ये ज़्यादा डिसोशिएट हुआ है, इसलिए इसको HCl को स्ट्रॉन्ग बोल दिया, HCN को वीक बोल दिया। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्ज़ाम्पल HCl HNO3 है या HClO4 है, ये एसिड इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं कि वाटर में ये भी पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, ये भी पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, ये भी पूरी तरह से आयनाइज होगा। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करना चाहूँ HCl का और नाइट्रिक एसिड का और परक्लोरिक एसिड का, तो मैं इनको कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, वाटर में ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे और सारे के सारे क्या दे देंगे, एच पॉजिटिव आयन, जिससे क्या बन जाएगा, वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन, यानी कि बना तो ये सारे के सारे आयनाइज भी हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन, ये भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जो भी एसिड हैं हाइड्रोनियम आयन से स्ट्रोंग एसिड होंगे वो सारे एक जैसे बिहेव करेंगे वाटर में, यानी कि स्ट्रोंग एसिड में हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड है, कौन सा कम स्ट्रोंग एसिड है, कौन सा मिडल ऑर्डर में लाई करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है, स्ट्रोंग एसिड के लिए लेवलिंग इफेक्ट की तरह काम करेगा, जो प्रोटोनिक है, जो प्रोटोनिक एसिड है, जैसे कि जो हाइड्रोनियम आयन जनरेट करेंगे वाटर में और कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, तो उनकी स्ट्रेंथ को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रोंग एसिड या स्ट्रोंग बेसिस को डिफरेंट एक्सटेंट पे आयनाइज करे। वाटर में HCN
और HCl का आयनाइजेशन अलग था, इसलिए हमने बोल दिया ये वीक एसिड है, ये स्ट्रोंग एसिड है। तो हमें अब एक ऐसा सोलवेंट ढूंढना होगा जो मान लो HClO4, HNO3 और HCl को डिफरेंट एक्सटेंट पे आयनाइज करे। एक ऐसे सोलवेंट में हम इन तीनों को डालें, सेम सोलवेंट लें और उनको वो डिफरेंटली आयनाइज करें, फिर हमें पता चल जाएगा जो पूरी तरह से आयनाइज होगा वो सबसे स्ट्रोंग एसिड रहेगा, जो कम आयनाइज होगा वो वीक एसिड रहेगा। तो इसके लिए एसिड्स के लिए एसिटिक एसिड क्या काम करता है, डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट का काम करता है। जो स्ट्रेंथ है एक स्ट्रोंग एसिड की वो लिमिट करी जाती है, इज़ लिमिटेड बाई बेसिसिटी ऑफ द सोलवेंट, और स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस इज़ लेवल बाई एसिडिटी ऑफ द सोलवेंट। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या होता है, उसका नेचर होता है वीकली एसिड, लेकिन जब आप एक उसमें एक स्ट्रोंग एसिड डालोगे तो वो प्रोटोन एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो जो HCl है एसिटिक एसिड के साथ पूरा रिएक्ट कर जाएगा और ये स्पीशीज बना देगा, यानी कि HCl स्ट्रोंग एसिड है सबसे। ये क्या है, सारे के सारे स्ट्रोंग एसिड हैं वाटर में, वाटर में हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये स्ट्रोंग है या वीक है, सारे स्ट्रोंग हैं, पर स्ट्रोंग में ही हमें देखना है कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो इसके लिए हम एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे, एसिटिक एसिड में ही डालने से हमें पता चलेगा जो HClO4 है कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा एसिटिक एसिड में, पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, फिर HI करेगा, फिर HBr करेगा, फिर HCl करेगा, फिर वाटर करेगा, फिर HNO3। तो ये जितने भी प्रोटोनिक एसिड थे जो प्रोटोन दे रहे थे, ब्रोंसिल लोरी एसिड थे जो प्रोटोन दे रहे थे वाटर के अंदर, स्ट्रोंग एसिड को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो वाटर क्या कर देता है, उनके इफेक्ट को लेवल कर देता है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट यूज़ करना है, उसके लिए डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट क्या रहेगा, एसिटिक एसिड रहेगा। इन द सेम वे जो वाटर है, वाटर में क्या है, NaOH स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, OH नेगेटिव आयन जनरेट करता है। इन द सेम वे जो अमाइड है, सोडियम अमाइड, वो भी क्या है, स्ट्रोंग बेस है, दोनों ही स्ट्रोंग बेस हैं वाटर में है। वाटर में हम इनको डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग है, कौन सा कम स्ट्रोंग है। लेकिन अगर हम इसको अमोनिया में डालते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सोडियम अमाइड है वो बहुत स्ट्रोंग बेस है एज कम्पेयर टू NaOH। तो इन दोनों बेसिस के लिए वाटर ने क्या किया है, लेवलिंग का काम कर दिया है, उनकी स्ट्रेंथ को हम मेजर नहीं कर पाए कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन अमोनिया ने डिफरेंशिएट कर दिया है। तो यहाँ अमोनिया क्या है, डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट। अब हम लेविस एसिड का, ये सारे हमने डिस्कस किए थे, ब्रोंस्टेन एसिड एंड ब्रोंस्टेन बेसिस। ब्रोंस्टेन एसिड क्या होता है, जो एच पॉजिटिव रिलीज करे, और ब्रोंस्टेन बेस हमारा क्या था, जो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। अब है लेविस एसिड, कुछ एसिड मान लो ये है लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है BCl3। अब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जो वाटर है ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट कर देगा, एडक्ट बनेगा। एक स्टेप ये हो जाएगा, ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एडक्ट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये वाला HCl ये बाहर हो जाएगा, एसिड बाहर निकल जाएगा और इसका एक ClOH से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे दो तीन स्टेप होंगे और पूरी तरह से इस बोरोन के सारे क्लोराइड आयन हैं जो वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे। तो BCl3 से क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड बन जाएगा, यानी कि एक वीक एसिड से स्ट्रोंग एसिड बन रहा है। इन द सेम वे जो सिलिकन टेट्राक्लोराइड है उसको हम वाटर से ट्रीट करेंगे, तो ये क्या है, सिलिकन टेट्राक्लोराइड लेविस एसिड है, हमने डिस्कस किया था। इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे तो वन बाई वन सारे के सारे जो क्लोराइड आयन है वो किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से चेंज हो जाएंगे, सिलिसिस एसिड बन जाएगा, यानी कि वीक एसिड से स्ट्रोंग एसिड। सोलवेंट अपना कुछ अफेक्ट दिखा रहा है कि कोई एसिड है वो वीक है, लेकिन अपने सोलवेंट में डाल दिया तो क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। इस केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि स्ट्रोंग सारे एसिड को सोलवेंट ने लेवल कर दिया था। तो सोलवेंट जो है एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। अब हमने ये डिस्कस भी किया था लेविस बेसिस का कि जो अमोनिया है उसमें एक हाइड्रोजन को अगर एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो R क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट उसका ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारा ये आना चाहिए था कि टर्शरी, क्योंकि तीन एल्काइल ग्रुप हैं तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए टर्शरी की। एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना हमारा क्या चाहिए था, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑर्डर ये नहीं है, हमारा ऑर्डर ये है सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्शरी। तो टर्शरी का कम क्यों आया, इंडक्टिव इफेक्टिव बेसिस पे तो टर्शरी को सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। तो एक्चुअल ट्रेंड हमारा जब हमने वाटर में ऐड किया था तब हमारा ये स्ट्रेंथ था, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में,
लेकिन फिर इसके लिए कहा गया कि भाई इसने शायद स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया है, इस वजह से ये सबसे वीक बेस रहा। लेकिन अगर जब हमने गैसियस स्टेट में इसको मेजर किया, इनकी बेसिसिटी को मेजर किया, तो जो R3N है सबसे स्ट्रोंग बेस रहा, यानी कि टर्शरी वाला सबसे स्ट्रोंग बेस रहा, फिर सेकेंडरी वाला रहा, फिर प्राइमरी वाला रहा। इसका मतलब स्टेरिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर रहा है इसकी बेसिसिटी को। इसका मतलब ये है कि जब आपने बेसिस को वाटर में डाला है तो कुछ ऐसा हुआ है, सोलवेंट ने कुछ ऐसा किया है कि उस ट्रेंड को चेंज कर दिया है, उस एक्सपेक्टेड ट्रेंड को चेंज कर दिया। वो क्या है? सोलवेशन एनर्जी। देखिए प्राइमरी अमीन जो वाटर के साथ, ये क्या है? बेस। एसिड के साथ, एसिड में आप डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? RNH3 पॉजिटिव, यानी कि बेस है तो क्या प्रोटोन ले लेगा, और OH नेगेटिव। जब ये RNH3 है, ये जो स्पीसीज है RNH3, यानी कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बाउंड है, तो इसमें क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ, ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, 1, 2, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। इन द सेम वे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी है R2NH, ये गलत लिखा हुआ है, R2NH सेकेंडरी अमीन ले लिया, वाटर में के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाली स्पीसीज बन जाएगी R2NH2 पॉजिटिव। अब इसके पास क्या है? 2 R हैं और 2 H हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? वाटर से सोलवेट हो जाएंगे। तो प्राइमरी वाले में कितने हो रहे थे? 3 सोलवेट हो रहे थे। इसमें कितने हो रहे हैं? 2 सोलवेट हो रहे हैं। और जो टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन में सिर्फ 1 है सोलवेट होने के लिए प्रोटोन। तो जो सोलवेशन एनर्जी है वो क्या करती है? स्ट्रेंथ को चेंज कर देती है। सोलवेशन एनर्जी और इंडक्टिव इफेक्ट का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ऐसे आता है कि सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट भी इसके पास है और सोलवेशन एनर्जी भी है, कम से कम 2 की तो है ही। फिर प्राइमरी का हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट और सोलवेशन इफेक्ट की वजह से, और फिर टर्शरी का हो जाता है। गैसियस स्टेट में जब कोई भी सोलवेंट नहीं है तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, और इसलिए फिर टर्शरी का ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। तो जो सोलवेंट है वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। ये बेटा आज आपकी यूनिट ख़त्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है आपकी यूनिट, तो आप इस पूरी यूनिट को प्रिपेयर कर लीजिए, मैं मंडे को टेस्ट ले सकती हूँ। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।